पैसा तू यही कटवावे। अगर क्या कर दो बार है गई तिवारा, अगर महाराज को मालूम पड़ गई कहने चार घंटा है गया भाई कर ही रहा है, तो फिर समझ लीजिए मीटर सोते नीचे नहीं गिरे हो ना। बेटा मुझे विश्वास है और भरोसा है, मैं तुमको नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी, खुद तो बचना रही, खुद तो बचना रही, मैं खुद चा बच्चों चा ना बच्चों, एक ही कज्जू है, कौन सो पतू है भाई, बता कौन सो कज्जू रहेगा वो बाने भाई देव बता। मम्मी पापा मैंने बोलनो सीखा, उंगरी पकड़ के मैंने चलनो सीखा, तो ही मेरे भाजे दोनों नदलाल तिसर पर जुमेरो जेई कहिए, जहाँ पैसे जमे पलम की लगा दी, से जन पे लिखूंगी तुए बात, लिख के बात चलूंगी बन खड़को, मेरे कलुआ मैं जा रही हूँ अपने महल के जाम में सेज लगाती, तुम जहाँ बैठ जाओ मैं अभी कहीं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, बहुत जल्दी आइए मार, अब कही अब आई वो दो ही बात है लिखनी है अपने पति की सेज पे, क्या मैं जिंदगी भर के जा रही हूँ और मेरी मौत होगी बन में, तो दो बातें तो लिखे आओ, जो मेरे पति किसी दिन उस महल में आए तो वे पढ़े के रानी मंजा ने क्या बात लिखी है, ये बात और लिखेगी तू मर जाएगी वे पढ़ेंगे तो का फायदा है, ना बेटा तू बैठ जा मैं जल्दी जानते है। रानी मंजा उन्हीं महलन में पहुंच जाती है जहाँ मैं सेज लगाती हूँ, उन महलन में क्या लिख रही है सेजल पे, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी तो क्या लिखो, रानी मंजा के सिवा इन महलन में पलम के वो भसम है जा रे, सुन भयो पान लिख दो ऐसो असराप के तोई प्रभुआ घबराए मेरे, जब इतनी बात रानी मंजा ने लिखी के गैर मेरे कोई पत्नी आके सेज लगाएगी वो भसम है जाएगी, तो भगवान घबराए गए के उसके पति भी होंगे और कोई पत्नी भी होगी दोनों भसम है जाएंगे, तो भगवान ने क्या इंतजाम करो उस कमरा का, अब मेरा बचना सुन ले आड़ो, कदम लगाए दो सत को तारो, जो कमरा बनो बहो उसी कमरा से आगे के लिए हर इंसान जाता था, वो पहले ही कमरा हो नरवर का पहला ही गेट था, उसमें एकदम तारो लग गो तो ऊपर से आवाज आने लगी अचानक के, रानी मंझा जब तक तेरे पति इस तारे पे हथौड़ा बजवावे चा कुछ भी करवावे ये गैर तेरे ताला नहीं खुलेगा, जब कितनी चाबी बदन दे ज्यादा तेरे संस वंश से पैदा है क्या आएगा, बिन चाबी के तारे खुल जाए तब तक तारे जे बेटा ना खुलेंगे, सुन भैया प्रभु ने कर दो इंतजाम का असराप
पत बिरा ठाकुर सेजों पे लिख करके रानी मंजा इन महलों की रहने वाली राजा प्रथम ने जल्लादों के हाथ सौंप करके मरवा दी। और ये डीए सागर कोर्ट के निवासी ये 10 रुपया मंजा के रोल पे खोसे के दे रहे पत पे रतन के मैं बेटा दी कत के इनको ढोला समझ रे आ ऐसे वचन उचारे एकदम लग जाओ सत के ताले जब तक ताला नहीं खुलेगा जब तक मेरे संस्वंश पैदा नहीं होगा तब तक। दोस्तों ताला लगा करके रानी बन जा और बाहर आने लगी कलिया आगे को जब जाती है तो कहां जाती है के झां बामन खम्मा लग रहे प्रथम के दरबार में खम पे पिंजड़ा तोता राम को नाम ले तो रानी मंजा उन खम्मन के पास पहुंच गई और रो के कहने लागी बीरल मेरी सुन लियो बात भैया बन जाओ मेरे धर्म के तुम से भेटूंगी भुजा पसा मुझसे मिल लियो तुम नर बर में। और ये हमारे भैया कुमार सेन शानपुर के रहने वाले हैं लव जो पे खुश होकर के दोस्तों 10 रुपया स्पेशल दूध पीने को दे रहे हैं भैया के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और ये रामधन ससौली के निवासी ये 20 रुपया हमारे लिए स्पेशल देते जुग जुग जीवे त्यारे नाती बेटा के भोले भरत रैर बंडा राम नाम साजी भैया हमारे शानपुर के रहने वाले हैं 20 रुपया लफ्जों पे खुश होकर के दे रहे हैं। दोस्तों आज मंजा का लिकासा देख रहे हैं इस चैनल पे भोले बाबा स्टेडियो ग्राम कादर चौक की ओर से इसके प्रोपार्टर है राजीव मासा। दूसरा चैनल चल रहा है हमारे जिला बदायूं सहसवान तहसील ग्राम कस्बा शिकारपुर की ओर से इसके प्रोपार्टर है प्रमोद भाई सावलिया। प्रमोद भाई सावलिया सुन रहे मंजा का लिकासा। दोस्तों रानी मंजा दिल में ना पर रहो चैन खम खम से मिलने लगी जैसे भैया से मिलती है और वो कले पसार रे जाके मिल रही पूजा पसार के सुन भैया खम्मा पाए दे रे चुआव बेन बस कैसे के देखिए खम्मा जवाब देने लगे ससुर तेरे तुझले अच्छा भैया एक खम्मा जवाब दे रहे जिसमें प्राणी प्रकट नहीं हो सकती। दोस्तों जाते तेरा ब्याह हुआ था तेरे ससुर तुझने हमारी पूरो मैया गहरी गड़बाय दही नीम जो कहूं पाए मुपे होते नर भर में सही कह रहे हो भैया मैं तेरे चल तो बन को साथ आज जा शहर नर भर बन को तेरे साथ चलता आज तेरी परेशानी देख करके
तू मेरे खातर सर कटवा ले तो अपनो। आंखों में आंसू आ रहे माँ, मैं क्या करूं, बहुत ख्याल आ रहे हैं तेरे। कोई बात ना भैया, तुम आज एक हम एक पत्थर के बनाए भयो और एक में मनस हो, तब भी तुम जवाब देके मेरे सादा करने को तैयार हो। तैयार है। चिंता करियो तुम मत आज, जो भैया मेरे मुसीबत में आवे, कोई मेरे माँ के कोका कोला, जो भैया मेरे ना काम आवे, मेरे पीलन वो ऐसी वैसी को नदन लाल लाल में तो को पकसिर। हेलो 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 मस्ताना भाई, दो मिनट रुके, कुछ हमारे महिला कमेटी के लिए दान दिया है, उन दाताओं दान दाताओं के नाम इस प्रकार से कृपया दान दें। ₹50 के दान दाता है श्रीमान सोमपाल सिंह निवासी खेड़ा, और ₹20 उमेश श्रीवास्तव निवासी सुचौली, और ₹501 के दान दाता है श्रीमान हेतराम लाला निवासी रानेट गोविंदपुर। ₹501 श्रीमान हेतराम लाला निवासी रानेट गोविंदपुर, ये भी सभी कमेटी के लिए दान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बाबा नरसिंह दास महाराज की। और ये ₹20 रानेट के रहने वाले धान सिंह भैया, ये ₹20 हमारे लिए दूध पीने के लिए देते हैं। जे ऐसे बस रहे रे जापुर बा में सरसा पीछे रे बसरे मलिखान, कोना जाने तोई बबर रे सिर को, कल हुआ जग जाने रे संसार। आज बात बनी रे की दिल टर जाएगो, कहना कहवे कर जाए, बज रहो लकाड़ो मेरो काम लाल टवे, मेला लगो रे सिर को आए। अरे बना ले आपस में मेल मेरे भैया, बनाए राखो आपस में मेल, सुरख लोक पहुंचोगे बना ले उसमें मेल, सुरज लोक को जाओगे बना लेवा। अरे मैया बबोला ना है अपना, बबोला कोई ना है अपना, जे है सुना प्रभु को एक सपना, प्रभु का एक सपना, सुरग लोक में एक देव है अपना, सुरग लोक में एक देव है अपना, धर्म अपना ले मेरे पीर, सुरग लोक पहुंचोगे धर्म अपना ले पीर, सुरग लोक पहुंचोगे। अभी ढोला बंद नहीं है, मेला भी करें और सौदा खरीदें, ढोला भी बंद नहीं है। तो रानी मंजा देखिए नरवर से किस हिसाब से लिखरती है, और उस नरवर को किस हिसाब से प्रणाम करती है। चलो माँ आप चलते, आप बांध ले बेटा, अब बांधेंगे ना हम तो नरवर से बाहर बांधेंगे अब तेरा गाय। अब तुम नरवर से बाहर क्यों बांधो रे, चल चल थोड़ा थोड़ा नेक आगे को निकल चल। क्यों क्या हमने तेरा दूध पिया है, रोटी खाई है, तेने बड़ी सेवा करी है, थोड़ा बहुत तो हम तेरे संग में सहायता करेंगे माँ। ठीक है बेटा। हाँ हाँ करे पेड़े राम पूरी राजधानी को, रानी मंजा प्रणाम कर रही, कल्लू चिंतू दोनों प्रणाम करने लागे के माँ चल। करे पेड़े राम और चली मंजा रानी, करे पेड़े राम
अब तक ही तू मेरी सुन ले, अब है गई पिरानी, अब तक अब हो गई पिरानी मैया। रानी मंझा को बांध के कल्लू चिंता ले जा रहे, तो पूरो नरबर प्रथम को गारी दे रहे। और रानी मंझा पीछे को लौट लौट के देख रही है कि मेरी आज प्रजा पता नहीं, मैं बहुत प्रेम करती, अब जिन कितना प्रेम मिलेगो के नहीं मिलेगा। ना सोरे जात्रे बैरी वाला जा प्रजा गारी दे रही है। मंजारे
बेटा। अब एक बात बता, पीछे को कैसे लौट लौट के देख रही है? अब तू क्या देख रही है? तेरा बेटा कौन है इस दुनिया में माँ? पीछे को लौट के देख रही ना दल्ला, कोई ना नाच जाए को कौए क्या मेरे बलम को आ जाए। वो कसाई में कीड़ा बच्चा मारे वो ना बेटा नरवर ले लौट के पीछे को देखी नहीं। राम करे जाप पर बिजली बेटा, मेरे पति को एक भी लफ्ज गंत मत कहिए। देख लो वो पतीली को ना भूल लिया भाई। जो मैंने एक असराप दाव अपने पति को तो भगवान ने उस कमरा में तारो लगाए दो को इसके पति मर नहीं जाए। देख लो भैया मेरे पति कि भगवान भी सेवा करते साता करते तासे उन्हें गारी बनती है। आजकल बुराई भलाई ना करे काऊ की नौके अगर मर रहो ना हो या डूब रहो गंगा में तो और ढक्का ऐसा करे कमाल जाके घर के कह रहा जाकी लगती तो तुरंत डांट देते घर के लोगों को। बेटा बलमा क्या बनी फिर रही है ईश्वरम मेरे बालम मोए ईश्वर कहिया। मेरे बेटा ईश्वर ले रहो उनकी पक्षलाल में कैसे कहो रे। अरे अब कैसे मान जा तो ईश्वर तो भगवान होते तो ऐसी बुरी तरीका से तो मान को ऑर्डर देते हैं। तुरंत बैठ गई वो तो ग्यारी। सुनो भैयो कलू चिंता पूछ रहे बात बात तू कैसी बैठ गई। अरे माँ एकदम कैसी घबरा करके गिर गई। अरे थोड़ी दूर और बढ़ चल तो तेरो इंतकाल कर देंगे तो मार डाल। बेटा मुझे ही मात देव या ना मारेंगे यहाँ से थोड़ी दूरी संटी बने संटी बने में मात देंगे। जहाँ को ऑर्डर ना है ना यहाँ को ऑर्डर ना है। इन बातन के लाले हेलो हेलो। और ये 51 रुपए के पुरस्कार हैं श्रीमान हमारे मेला कोषा अध्यक्ष राम रतन ठेकेदार। राम रतन ठेकेदार ये मेला अध्यक्ष कोषा अध्यक्ष ये योगेंद्र यादव सिंह की पार्टी है। इनकी पार्टी के लिए स्पेशल तौर से 51 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। इन बातन के लाले अब मो पे पैदर ना चलो जाए रहो मेरे पान में पड़ गए छाले। बेटा आगे कदम बढ़े ना मैं चलने से मजबूर। ये मेरे लाल बता दे बन रे गो कितनी दूर। चलते चलते छाले पारी गए चलो न जाए रहो लाल हमारे। चलो गरम पछैया चलो गरम पछैया उड़ उड़ के लागे धूर। ए मेरे लाल बता दे बन रे गो कितनी दूर।
बेटा कितनी दूर रह गए अपन, मो जाइए माते। अभी तो दूसरे वन में आए हैं, यहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ करके शक्ति वन है, थोड़ी दूर के लिए और बढ़ चल। और भैया माधोराम भैया तुम्हारे गांव का नाम भूल गए ना, थोड़ी सी कष्ट और करेंगे, आकर के गांव का नाम बता देंगे। माधोराम हेलो हलवाई साहब हेलो। और ये 51 रुपए के दान दाता है श्रीमान किशनवीर सिंह यादव निवासी निजरा। किशनवीर सिंह यादव निवासी निजरा ये 51 रुपए कमेटी के लिए नाम फरमाते हैं, कमेटी इनका हार्दिक अभिनंदन करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों रानी मंजा पछार खा करके गिर जाती है, कहने लगी कलुआ आज तू मेरा यही से शीश काट के और तू चला जा, आगे के लिए मुझ पे नहीं बढ़ा जा रहा। हाँ बेटा मुझ पे ना बढ़ो जा रहा वो कहते। और चलते चलते छाले पड़ गए ये ककरीली डगरिया, चलते चलते छाले पड़ गए ककरीली डगरिया, चलते चलते मेरे छाले पड़ गए। भैया हमारे माधोराम हलवाई ग्राम निश्रोल की तरफ से चल के आए तेरे मस्ताना, तुम्हारे लफ्जों को खुश होकर के 50 रुपया का पुरस्कार स्पेशल दूध पीने को धरे। भैया की हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अब ना जाने कलुआ बेटा बीते दिन उमारिया, चलते 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 चलते। हेलो हेलो। और ये 51 रुपए 51 रुपए के दान दाता है श्रीमान बीरपाल सिंह निवासी पनौड़ी की तरफ से। बीरपाल सिंह निवासी पनौड़ी की तरफ से ये अपने कर कमलों से 51 रुपए मिला कमेटी के लिए नामदा फरमाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बुरो करो पति प्रथम ने प्यारे हाथ कहाई रे, हेलो हेलो। और ये 21 रुपए के पुरस्कार है फिर भाई बीरपाल सिंह यादव निवासी पनौड़ी की तरफ से 21 रुपए अपने कर कमलों से पार्टी के लिए स्पेशल तौर से नमदा फरमा दें, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु करो में चलते चलते। तो देखिए जब रानी मंजा बन को जा रही दोस्तों तो बैसाख का दिन था और उसे प्यास लगने लागी भारी, दोपहरी पर रही पछिया चल लो तो एकदम गिर के रो जाती है। क्या कहने लगी बेटा मेरे सुन ले न दिला गलो सूखिला तेरी मैया को, कौए से पानी दैयो पियाए कोन नाए भूलूंगी त्यारो नरमन में, बेटा मोए कौए से प्यार दैयो नीर जीव मेरो प्यास बुझाए ले गोले। हेलो माँ
तू कह रही है मेरे लिए पानी पिला दो। हाँ बेटा, यहाँ काफी दूर तक कहीं पानी का पता नहीं है, कहीं कुआं है ना कहीं तालाब है ना नदी है, तेरे लिए पानी कहाँ से प्यादे, हम तो खुद ही प्यासे हैं। भैया ओ कलुआ कौन मात कुआ ताला हेलो हेलो ओ करुआ, अब माँ को एक सत रह गो, अब कल जमांगे सही है तो माँ कह रही है जब से नर्मदा से चली है कि पति को मैं गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं पतिव्रता हूँ तो अब माँ को सत भैया कलुआ कल जमांगे, क्या जो पतिव्रता तो पानी बरसा दे तो प्या दे हमें प्या दे खुद पी ले। और दोस्तों समय बराबर हो चुका है क्योंकि अब आरती का वक़्त है, मारने का मौका नहीं है। रानी मंजा की बातें कल सुनेंगे किस तरीका से कल। और देखिए दोस्तों एक गाना, उसके बाद में किसी को डीजे पर सुनना है तो कलाकार तैयार हैं और साउंड वाले तैयार हो जाएं। और देखिए शाम का टाइम है, ढोला का प्रोग्राम यही समापन हो रहा है।